हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी क्लास टू न्यू लर्न वेल ऑल इन वन सेमेस्टर वन का इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर टू जो कि है नेमिंग वर्ड्स नाउन। तो नाउन क्या होते हैं? नाउन जो है वो नेमिंग वर्ड्स होते हैं। मतलब क्या कि किसी का भी नाम जो है वो नाउन होता है। जैसे आपका खुद का नाम, आप क्या हो जाएगा? आपका नाम नाउन हो जाएगा। आपके पापा का नाम नाउन हो जाएगा। आपकी मम्मी का नाम नाउन हो जाएगा। आप कहाँ रहते हैं? कटनी शहर में, तो कटनी शहर का नाम है, किसी शहर का नाम कटनी है ना, इसलिए वो भी नाउन हो जाएगा। ठीक है, आपके पास क्या है? पेंसिल है, तो पेंसिल भी तो नाम है ना एक चीज़ का, तो इसलिए वो भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। तो इस तरह से जिन शब्दों के नाम होते हैं, नाम वाले जो शब्द होते हैं वो नाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन क्या है? किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस या किसी भी चीज़ का नाम है। थिंग्स का मतलब है कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। जैसे पेन, पेंसिल, पंखा, बॉल, फुटबॉल, कैप, शूज, ये देखिए एनी थिंग्स जो आप देख रहे हैं। बलून, हाउस, मिल्क, बुक, कैटल, केक, बॉल, एग, जीप या टॉय, गिफ्ट, ये सभी क्या है? नाउन्स हैं, ये थिंग्स हैं। ठीक है, तो वी हैव लर्न्ड मैनी नेम्स ऑफ ए पर्सन्स। हमको बहुत सारे लोगों के नाम पता है, जैसे गर्ल, बॉय, सन, बेबी, मैन, सिस्टर, पेंटर, टेलर, कॉबलर, गार्डनर, वॉचमैन, है ना। तो ये सभी लोगों के नाम हैं। उसी प्रकार से एनिमल्स को भी हम नाउन कहेंगे, कहेंगे कि नहीं कहेंगे। जैसे आपका बी, काऊ, टाइगर, हॉर्स, पैरोट, लायन, क्रो, किटन, मॉन्की, एलिफेंट, तो ये सारे क्या हैं? आपके एनिमल्स के नेम हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे प्लेसेस के नेम, जगहों के नाम, जैसे सिटी, पार्क, होटल, लाइब्रेरी, चर्च, कॉलेज, हॉस्पिटल, कंट्री, स्टेशन, टेंपल, स्कूल, मॉस्क्यू, है ना, ये सब जगहों के नाम हैं, तो हम इन्हें भी नाउन कहेंगे। इसके बाद हम आते हैं थिंग्स पर। थिंग्स यानी चीज़ें, जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, थिंग्स भी नाउन होती हैं, जैसे टी, फ्लोर, रेडियो, शुगर, बेंच, मैंगो, फ्रॉक, चॉक, पेपर, कॉफ़ी, स्कूटर, बटर, बलून, हाउस, फैन, टॉय, केक, ये देख रहे हैं आप पिक्चर में। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं? नाउन हैं, और ये सभी चीज़ें थिंग्स हैं। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में देखा कि नाउन क्या होता है। इसके बाद हम इसी का कंटिन्यूएशन में चैप्टर नंबर थ्री देखेंगे हम। तो इस तरह से आपने देखा कि नाउन में हम किस तरह से नेमिंग वर्ड्स का यूज़ करते हैं। इसके बाद मैं आपको आज की क्लास का कुछ होमवर्क देने जा रहा हूँ, जिसमें आपको अपनी इस कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में राइट करना है नेम्स ऑफ प्लेसेस।
और सारे प्लेसेस के नेम्स को आपको अपनी कॉपी में 5 times राइट करना है। क्या करना है? सारे प्लेसेस के नेम्स को आपको 5 times राइट करना है, लाइक सिटी, होटल, टेंपल, टाउन। इसके बाद फिर दूसरे वर्ड्स लिखेंगे आप और उनको 5 times लर्न करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, नेम्स ऑफ पर्संस लिखना है। क्या लिखना है? नेम ऑफ पर्संस। इसको भी आपको 5 times हर स्पेलिंग को लिखना है, जैसे गर्ल, किंग, अंकल, ब्रदर, सिस्टर। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, प्लेसेस के हो गया, थिंग्स का हो गया, अब एनिमल्स क्या लिखना है, नेम्स ऑफ एनिमल्स, जैसे काऊ, डॉग, पीकॉक, आउल, लायन। ठीक है, तो पेरेंट्स से एक बार मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स के स्पेलिंग को लर्न कराकर कॉपी में राइट कराएं और बच्चों को बार बार चीज़ें बताएं। इस तरह से आज हमने देखा नेमिंग वर्ड्स, ठीक है, जो कि नाउन के थे, और इसको अब हम आगे देखेंगे। तब तक बच्चों अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।